हमने क्या क्या वहाँ पर पंजाब में काम किए हैं, और जनवरी अगले साल जनवरी में इंशाल्लाह 18-20 जनवरी को बर्लिन जर्मनी में एक ग्रीन वीक सब्ज हफ्ता वहाँ पर पूरी जर्मनी और दुनिया के वहाँ पर जो काश्तकार फार्मर्स और लाइफ स्टॉक के वहाँ पर अपने अपनी मसनूआत लेके आएंगे, और पाकिस्तान पंजाब के काश्तकार भी वहाँ पर पहली मरतबा शरीक हो रहे हैं, और बेहतरीन जो ज़रई जो मसनूआत हैं प्रोडक्ट्स हैं गाजर मूली टमाटर और बेशुमार किस्म की आम चावल ये सब हम वहाँ पर इंशाल्लाह उसकी नुमाइश होगी, और इंटरनेशनल जो क्वालिटी है इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह वहाँ पर ये मसनूआत होंगी, और उससे पाकिस्तान और पंजाब की जो ज़रई जो इजनास हैं उसकी एक्सपोर्ट्स में इंशाल्लाह इजाफा करने की बहुत हम इंशाल्लाह वहाँ पर मौके पैदा होंगे। तो आज इस हवाले से मैंने यूरोपियन यूनियन के सफीरों को आज दावत दी थी और उसके बारे में बात की। हुकूमत बड़ी पुरजोर अंदाज में ये बात बार बार कह रही है, उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो क्या कोई गैर आइनी इकदाम अगर उठाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून आज स्टांस अपने पे कायम है कि उसकी सपोर्ट नहीं करेगी? ये हमारी एक मुसलमा हमारी ये एक पोजिशन है आज की नहीं, यानी हमने हमेशा इस बात के ऊपर पूरी तरह वाज़े अंदाज में कहा है कि कोई गैर आइनी जो कदम है उसकी मुस्लिम लीग नून कभी सपोर्ट नहीं करेगी, और मुझे नहीं इसका दूर दूर कोई लगता चांस कि इस तरह की बात है। मैं यानी समझता हूँ कि जन्म क्या नहीं वाजे है, जब भी मैं उनको मिला तो मैं मेरी यही राय रही कि वो इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को तलपट करने का कोई इरादा नहीं रखते, ना उनकी कुछ सोच है, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी बात तो मुस्लिम लीग नून उसकी टट कर मुखालफत है। सर मंसूर एजाज ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं, तो क्या चाहेंगे कि वो आपको गलती लगी? चौधरी निज़ार साहब ने डी जी आई एस आई के इस्तीफे की बात नहीं की, उन्होंने तरदीद भी कर दी चौधरी निज़ार साहब। आप क्या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस इशू के ऊपर? किसके आप पहले ही इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो उसी मेमो गेट का जो दूसरा पहलू है मंसूर एजाज ने मजीद बात की है कि डी जी आई एस आई जो है वो सऊदी अरब और यू ए ई उनसे मदद लेने के लिए हुकूमत गिराने के लिए मंसूर एजाज खुद सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ? हमने तो जो एक ये उनका कहना है, हमने तो एक जो कागज़ जो एक खत लिखा गया उसके बारे में अमरीकी जो जो एहलकार उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये हमें ये मेमो मिला, उसकी बुनियाद पर हम सुप्रीम कोर्ट गए। अब मंसूर एजाज साहब अगर कोई बात कर रहे हैं इंटरव्यू में तो वो फिर अदालत का दरवाज़ा खुद खटकाएं और वहाँ जाकर सबूत पेश करें। हमने तो जब अमरीकी एहलकारों ने ये कह दिया कि हाँ हमें मेमो गेट या हमें मेमो मिला था, और वो मेमो कुछ नहीं मासवाए पाकिस्तान के जो मफादात का सौदा है, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि बदध्यान की नहीं हो सकती, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि दिसंबर जो है वो सितम मियाँ साहब, पीएम ने एक बार फिर ये कहा है कि मेमो को जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ले जाने के हवाले से पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश की गई है, और मियाँ साहब को जो उन्होंने 10 दिन दिए थे हमने उससे पहले इकदाम कर लिए थे। बिल्कुल नहीं, यानी अगर ये खुदा नखास्ता ये अगर ऐसी सोच होती तो फिर जो मियाँ नवाज शरीफ को जो मौका था 16 मार्च 2009 को, उससे बेहतर मौका कौन सा था कि इस्लामाबाद आके हम ये लगार कर देते और अपना हुकूमत भी ख़त्म हो जाती और निज़ाम भी ख़त्म हो जाता। मियाँ नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, एक जमहूरी सोच के एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, और इस तरह की बात नवाज शरीफ साहब के जहन में दूर दूर तक नहीं आ सकती। उन्होंने 3.5 साल यानी कई उनके ऊपर बेजा इल्जाम लगाए गए, मगर उन्होंने पाकिस्तान और इस मुल्क के निज़ाम के लिए जमहूरियत के लिए उन्होंने बहुत तहम्मुल बर्दाश्त के साथ उन्होंने
सारा ये 3.5 साल उन्होंने अपने कॉन्डक्ट किया। उन्होंने बाबर साहब ने आज कहा है कि सारा मसीह एक बार फिर